हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, आज तारीख है 5 सितंबर और दिन है शनिवार का। और मैडम भी जो है रूटीन पर लग गई है अपने सुबह सुबह में। और देखिए, यहाँ पर जो है सुबह के 7:30 बजे हैं लगभग। और क्या क्या तैयारी हो रही है घर में मैं बता दूँ। एक तो श्राद्ध चल चुके हैं, आप सब जानते ही हैं। हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें कनागत भी कहते हैं इन्हें। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले खाना बनाने की तैयारी हो रही है। आप देख रहे होंगे कढ़ाई, इसमें छोले की सब्जी बनी है अभी। और आगे क्या क्या बनेगा इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ अभी वो आपको बता रहा हूँ। तो छोले लगभग जो है बनकर तैयार हो रहे हैं। और बच्चे जो हैं वो उठ चुके हैं, 7:30 बजे का टाइम है, तो अभी आधा घंटा पहले वो सब जग चुके थे। और जागने के बाद में वेट कर रहे हैं कुछ चाय पानी, मतलब नाश्ता लेकर के आए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पता है भूख लगेगी तो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। बड़े तो थोड़ा सब्र रखते हैं जब तक तैयार होता है बन करके। तो आज जैसे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में खाने की तैयारी हो रही है, ये श्राद्ध की वजह से है, तो इसलिए जो है नाश्ते में थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट जो है नमकीन बिस्किट का ही चलेगा जब तक खाना बन करके तैयार होता है। और ये देखिए सुबह कुछ ऐसी है, सूर्य देवता जो हैं अभी निकल रहे हैं, पेड़ पौधे और घरों के पीछे हैं थोड़ा सा, तो थोड़ी देर बाहर आ जाएंगे। और कड़ी धूप अब निकलने वाली है। और चेंजेस मौसम में ये हुए हैं कि दिन में गर्मी होती है और रात को थोड़ा सा ठंड होने लगी है, मतलब टेम्परेचर अप डाउन होने लगा है। को इतना डाउन कि कूलर वगैरह में पानी भरने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए थोड़ा सा बीमारी का भी मौसम है, क्योंकि बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना होता है दिन में गर्मी और रात में सर्दी। तो कुछ इस तरह का चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये तैयारी है। ये जो है हमारे देसी किचन, ओपन किचन का जो सेटअप है वो पूरा तैयार हो चुका है, मतलब सेट बर्तन वगैरह सजा लिए गए हैं। और देखते हैं, चलो बच्चा पार्टी। और ये देखिए बच्चा पार्टी। हाँ भाई, आरुषि क्या ले रहे हो आप? गरम है। बिस्किट है गरम या चाय है? बिस्किट है गरम या चाय? कुछ भी गरम नहीं, क्या गरम है बताइए। और ये देखिए, अरे ओ भाई साहब फौजी, ये देखिए फौजी कटिंग करवा के आए हैं दोनों कल। और ये देखिए, जब कुछ काम करते हैं वीडियो वगैरह शूट करने का तब इसके 1-2 चलते रहते हैं, लेकिन अपनी सुनाएगी ये एक भी 1-2। और क्या है? अच्छा, रस्क भी है, नमकीन भी है। क्या खाओगे आप? नमकीन कितनी? क्या खा रहे देखो, मुंह में तो कुछ नहीं, खाली है मुंह तो। क्या खा रहे थे? देखते हैं क्या कर रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई? मम्मी आ गई। कहाँ आ गई मम्मी? राम राम कर लो सबको भाई, राम राम कर लो, हाथ जोड़ के ओए, और राम राम कर रहा भाई मेरे बेटक। तो ए नन्नी परी है क्या? नन्नी परी, ए नन्नी परी। और देखो अब बज चुके हैं 9, और 9 बजे जो है अब ये प्रीति का खाना है, उसके लिए बनेंगे तुरई। और यहाँ पर तुरई काटी जा रही है, थोड़ी देर में बन जाएंगी अभी। और छोले चावल जो है बन चुके हैं। और यहाँ पर जो है कौवे भी टहल रहे हैं। और ये देखिए कौवे आते हैं, तो श्राद्ध में जो है इन्हें खाना खिलाना शुभ माना जाता है, पर ये उधर उधर घूम रहे हैं अभी। तो मैडम आज श्राद्ध तो कोई है नहीं, फिर छोले भिगो के रख दिए थे, कन्फ्यूजन हो गया था। कन्फ्यूजन ही हो रहा था, मगर कल आया हमारे यहाँ पे, अच्छा माँ ने बोला था, सब तैयारियाँ कर भी ली थी, शाम के टाइम से ही करनी पड़े भाई, सुबह क्या बनेगा क्या नहीं। अच्छा। और जैसे जैसे जिस रात के टाइम पर जो जो खाना बनाए, कोई कोई तो जमे भी बना कर पूछ दें, लेकिन जो अपने खास बड़ों के श्राद्ध हुए हैं उसके लिए कुछ स्पेशली बनाना पड़ता है। अच्छा। पहले से ही बनता आ रहा है, तो माँ बोलती है कि पक्का भोजन बनता है, यानी कि हलवा पूरी इस तरीके का सामान बनता है। अच्छा। और किसी किसी के तोरी देखें, काली तोरी बहुत ठाड़ी तगड़ी तोरी है, ये मंडी से आई थी, ये सब्जी ताज़ी है, 3-4 दिन हुए हैं फ्रिज में रहती है, 3-4 दिन तक रुक जाती है। और जैसे सब्जी बन रही है छिलके भी बनाएंगे? नहीं नहीं छिलके नहीं, आज छिलके कोई यूज नहीं है, वो
कोई भी नहीं खाएगा जब छोले बने हैं, वैसे ही छोलों की फरमाइश हो रही थी। हाँ, तो सब्जी ना देखो डिसऑर्डर में चलती है, ऊपर से नीचे की तरफ। जो सबसे बढ़िया होती है ना वही सबसे पहले खाई जाती है। तो आज छोले वगैरह हैं, तो तोरी के छिलक कौन पूछ रहा है। और यहाँ पर बर्तनों की साफ़ सफाई, नाश्ता पानी हो चुका है, खाना बन चुका है। खाना तो अभी नहीं खाया है और नाश्ता हो चुका है, थोड़ी देर में खाएंगे क्योंकि सब्जी वब्जी तैयार है सब, रोटी सेकना बाकी है। और ये देखिए यहाँ पर जो है ये चौकी बनवा दी हमने, ये देखिए ये जो बॉर्डर बनवा दिया है। पहले ये खुला था तो पानी बहकर जो है दूर तक फैलता था और इसलिए ये फर्श वर्श इधर से पूरा ख़राब था। तो थोड़ा सा ये भी बनाया है लिटिल बजट निकाल करके, क्योंकि थोड़ा सा बजट होता है तो काम भी थोड़ा थोड़ा ही होगा। और ये छोटा सा नन्ना सा बजट था, इसमें ये भी करा लिया है। और अगली बार कुछ करेंगे तो थोड़ा सा इसकी और फिनिशिंग करवा देंगे, फिनिशिंग टच दे देंगे इसमें कुछ और करवा करके। लेकिन अभी के लिए जो है ये अच्छा हो गया है। ये देखिए बॉर्डर बना है और ये चौकी बन गई है बर्तन साफ करने की। तो पानी जो है अपने रास्ते चला जाता है एक तरफ से निकल करके। तो यहाँ पर देखिए मैडम कैसा लग रहा है, जैसे चौकी बन गई है। अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि सारा फर्श गंदा नहीं होगा, पानी एक साइड से जाएगा, नहीं तो दूर तक जाता था एकदम जब बर्तन साफ करते थे। और साथ के साथ वाइपर भी लगाना पड़ता था। अच्छा। सारे फर्श पर ही जहाँ तक गिल्ला होता था। तो काफ़ी राहत है अभी। हाँ। तो बता रही हैं मैडम, देखिए हाउस वाइफ हैं और मैं भी फ़िलहाल तो हाउस हस्बैंड हूँ और यहीं पर रहता हूँ। तो ज़्यादा जो है काम यही करती हैं, तो इन्हें पता है कि क्या फ़ायदे हैं इस चीज़ के। तो बता रही हैं पानी का बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है यहाँ पर। और वहाँ पर बैठकर साफ करने पड़ते थे, यहाँ पर इस पेड़ की छांव भी रहती है। अच्छा, पेड़ की छांव भी रहती है, ये बेनिफिट और गया और हो गया है इस टाइम है। और जैसे ही हम थोड़ा सा काम अंदर का निपटाएंगे यहाँ पर धूप आ जाएगी, उसके बाद में फिर जब दोपहर के बर्तन साफ करने का टाइम होगा 1 बजे का टाइम, तो यहाँ पर फिर छांव आ जाती है, परछाई आ जाती है इस पेड़ की। तो ये बेनिफिट है यहाँ पर। ये देखिए ये पेड़ है, इसकी परछाई रहती है, मतलब छांव रहती है। और बर्तन जो है सबसे अच्छे साफ होते हैं बैठकर, उन्हें हम आसानी से घिस सकते हैं तो उनमें चमक आती है बर्तनों में। और ऐसे खड़े खड़े रोल दो कुछ भी मजा नहीं आता, और माँ को तो बिल्कुल पसंद नहीं आते ऐसे बर्तन साफ करे। माँ बोलती है इनमें मेहनत करो, इन्हें रगड़ो, जब जाकर साफ होंगे, जब चमकेंगे, जब अच्छे लगेंगे बर्तन। तो बैठ करके बता रही है मैडम कि बर्तनों पर ज़्यादा ताकत लगती है, फोर्स लगता है, तो चमकते बढ़िया हैं। और चमकते इसलिए भी हैं क्योंकि उपलों की कुश्तों की रात से यहाँ पर इनकी मंजाई घिसाई हो रही है। और ये जो यहाँ पर श्रिंक है हमारा देसी श्रिंक ओपन, ये इसका बेनिफिट ये है कि ये पेड़ है और इसकी छांव यहाँ पर रहती है। अभी भी देखिए छांव है, और दोपहर भी हो जाएगी तब भी छांव रहेगी। और एक तरफ इसके दीवार है तो उसकी परछाई रहती है सुबह सुबह में। तो ये फ़ायदा है यहाँ पर। तो सोच समझ कर जो है ये यहाँ पर बनाया गया है बर्तन साफ़ करने के लिए। गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद है यहाँ बर्तन साफ़ करना। दिखाइए, वाओ कितनी सुंदर ड्राइंग है। मैंने बनाई है सबकी, मैंने बना के दी। ये बटरफ्लाई किसने बनाई है? मैंने बनाई है। आपने बनाई है, अच्छी बनी है। और एक ये इनकी मैम गुड्डू वाली भी अच्छी है। और आप दिखाओ मेरी रंग-बिरंगी। हाँ भाई, आपकी तो झोपड़ी है छोटी छोटी सी, अच्छी लग रही है। ढोलकपुर, अच्छा। आपको ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है सबको? यस। अच्छा जी, और कलर है आपके पास फुल कलर? ये देखो। अच्छा, ये इस बॉक्स में रख रखे हैं आपने ताकि खो ना सके। अच्छा, और खिलखिला। अच्छा, और ये बनी है हमारी टीचर। अच्छा, आज के लिए ये टीचर हैं। ये देखिए आज के लिए चिंकी जो है वो इनकी टीचर है बच्चों की, और सारे बच्चे जो हैं इस कमरे में बैठे हुए हैं। इसमें बेड सेट कर दिया था हमने, और अभी सामान फैला हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है काम करने का, क्योंकि बच्चे को भी टाइम देना पड़ता है, उसका ध्यान रखना जरूरी है अभी के लिए। और हमारी छोटी बब्बा उधर सो रही है, और छोटे बच्चों से बहुत मुश्किल चीज है चुड़ा कर गेट बंद करके यहाँ पे बैठे हैं। और दोनों बहन भाई वो लोग बाहर खेल रहे हैं, और ये सब बैठ कर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई मेरा मतलब है ड्रॉइंग कर रहे हैं। पढ़ाई में आता है ड्रॉइंग भी, कुछ भी करते रहो, लेकिन बच्चे जो हैं फ्री नहीं रहने चाहिए, प्रैक्टिस रहेगी, प्रैक्टिस चल रही है। इन्होंने आज ही अपने मामा से जो है
सार्थक ने, एंजल ने ड्राइंग मंगाया है और इन्होंने अपने कलर भी मंगाए हैं अलग अलग। इसके मामा ने सुबह के टाइम ही लाकर दे दिए थे और मन लग रहा है इनका यहाँ पर। आप देख ही रहे होंगे कितने, मतलब कितना इंटरेस्ट है इनका, सब लोगों का ड्राइंग में कलर करने का। इस तरफ से देखो कितना अच्छा है इसका ड्राइंग सार्थक का। और आज आपने क्या खाया था भाई नाश्ते में? ये देखो मेरी। हाँ ये टमाटो सॉस, सबकी सेम है। सबकी सेम है, यस। और आज इन्होंने, अच्छा सार्थक आज नाश्ते में क्या खाया था भाई? नाश्ते में तो हमने खाए थे आलू का पराठा, आलू और पराठे। अच्छा, और खाने में क्या खाया है? मैं ब्रेड खाए थे, सॉस के साथ। ब्रेड खाए थे, अच्छा। और मैं बताती हूँ सही तरह, कभी कभी ये भूल जाता है, जैसे मामा को पापा कह दिया। अच्छा, आ गई और जैसे यार उसी ने बाहर आवाज लगाई ये खोल दो गेट, तो इन सब ने जो है अपना सामान छुपाना शुरू कर दिया। ये देखिए क्योंकि इन्होंने जो है गेट की कुंडी लगा रखी है। ये देखिए खोल दो बेटा, खोल दो छोटे, आओ जी। आप आरुष के पास खेल लेते, यहाँ क्यों आए आरुषी? मार दिया कहाँ से? दिखाओ, मेरा चोट लग रही है। अच्छा, बहुत तेज की। और क्या खेला आज आपने गेम? ये सब ने चोट लगवा रखी है इन बच्चों ने, और इसने, इसे क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, खेल रहा है ये आजकल। और खेलने वाला जो भी होता है मेरा मन आता है, लेकिन मेरा मन पसंद है बैट बॉल। बैट बॉल क्रिकेट, ये देखिए।